हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर सिरसा में युवा इनेलो सम्मेलन के दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अभय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को कैथल में आयोजित सम्मान दिवस के मौके पर लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी के 75 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, ऐसे में वो कैसे 75 पार पहुंच सकती है। उन्होंने राज्य सरकार पर नशे को लेकर निशाना साधा। साथ ही अभय चौटाला ने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर भी चुटकी ली। यहां बीजेपी और कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, वो तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कोई बाहर से लेकर के प्रत्याशी चुनाव में उतारने की अभी से तैयारी कर रहे हैं। जिन पार्टियों के पास प्रत्याशी नहीं है वो किस आधार पे ये कह सकते हैं कि हमारी 75 पार हो जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे? कैसे कांग्रेस ये कह सकती है कि हम राज बना लेंगे? बीजेपी के बारे में तो आम चर्चा है आजकल कि बीजेपी ने अपनी टिकटें अभी से बेचनी शुरू कर दी। बीजेपी की टिकटों की तो बोली लगनी शुरू होगी। जहां टिकटें बिकती है वहां राजनीतिक तौर पे विश्वास खत्म हो जाता है। पिछले एक हफ्ते में बीजेपी का ग्राफ गिरा है। जहां बीजेपी का ग्राफ गिरा है वहीं हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है।